औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिक्स की केस स्टडीज़, जो फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी और फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ते हैं। हम एनसेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की किताब से केस स्टडीज सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि किताब की वर्डिंग्स अक्सर स्टूडेंट्स को मुश्किल लगती है, तो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर यह किताब मौजूद है। सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन आपके पास क्या मौजूद है? अ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर हैज़ डेवलप्ड अ फार्मूला फॉर एन एंटी हिस्टामिन कंप्रेस्ड टैबलेट। ड्यूरिंग द इनिशियल रन द टैबलेट्स वर फाउंड टू बी टू फ्राइएबल, व्हाट कैन बी डन। बच्चों, इसका मतलब ये था कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जो अभी मैन्युफैक्चर करने जा रही है एक एंटी हिस्टामिन ड्रग को, कंप्रेस्ड टैबलेट है। जब वो इनिशियल रन करता है तो वो ये ऑब्जर्व करता है कि उसकी टैबलेट्स बहुत ज़्यादा फ्राइबल हैं, यानी बहुत जल्दी टूट रही हैं, बहुत जल्दी ब्रेक हो रही हैं। उसे क्या करना चाहिए? आपके पास ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन में मौजूद है कि वो जो एक्टिव था यहाँ पर एंटी हिस्टामिन, वो लिया गया था 50 मिलीग्राम, चूँकि उसका डोज 50 मिलीग्राम होगा। डायरेक्टली कंप्रेसिबल लैक्टोज लिया गया 150 मिलीग्राम, मैग्नीशियम स्टीरेट लिया गया 10 मिलीग्राम, स्टार्च लिया गया 100 मिलीग्राम और टैल्कम लिया गया 25 मिलीग्राम। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स पढ़े हैं और उसमें इन तमाम के फंक्शंस को हमने अलहदा अलहदा पढ़ने की कोशिश की है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वो वीडियो लेक्चर ज़रूर देख लें ताकि सीक्वेंस में आपको केस स्टडीज़ बहुत अच्छे से समझ में आए। जिन कैरेक्टरिस्टिक्स से टैबलेट को कंप्रेस किया जा रहा था, वो कैरेक्टर्स भी हमारे सामने मौजूद है कि हमारे पास जो टैबलेट थी वो 8 mm की टैबलेट थी। इट वॉज़ अ वाइट टैबलेट, कॉन्वेक्स टैबलेट थी, बाइसेक्टेड टैबलेट थी। वेट जो बन रहा था टैबलेट का वो 335 मिलीग्राम था। हार्डनेस जो आ रही थी बेटे वो 8 kg थी और डिसोल्यूशन जो लिया जा रहा था 0.01 नॉर्मल HCl में पर 5 ml अपरेटस 2 इस्तेमाल करके 50 rpm पर और टाइम था 30 मिनट्स। तमाम डिटेल्स यहाँ पर लिख दी गई जो इस्तेमाल की जा रही थी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन में। फॉलोइंग द इनिशियल रन हार्डनेस टेस्टिंग रिवील द टैबलेट्स हार्डनेस इज ओनली 6.5 kg। जो डिस्क्रिप्शन तैयार की गई थी उसमें हार्डनेस कितनी आनी चाहिए थी, 8 kg आनी चाहिए थी, और अब जो टैबलेट्स हैं उनकी हार्डनेस कितनी आ रही है, 6.5 kg आ रही है। और इसी हार्डनेस कम आने की वजह से वो टैबलेट्स क्या हो रही हैं, फ्रायबल हो रही हैं। तो लिंक आपको अब समझ में आ गया कि टैबलेट्स फ्रायबल इसलिए क्योंकि उनकी हार्डनेस कम हो रही है। देखें, असेसमेंट आप क्या लेते हैं। द टैबलेट्स हार्डनेस मस्ट बी इंक्रीज टू मीट द स्पेसिफिकेशन। आपकी स्पेसिफिकेशन कितनी है, 8 kg की, लेकिन आपके पास कितनी आ रही है, 6.5 kg आ रही है। There are couple of different approaches to accomplish this. अब industrial pharmacist का यही तो role होता है कि जब उसे बताया जाता है कि जी हमारी hardness ठीक नहीं आ रही, तो वो कैसे उसको ठीक कर सकता है। Point number one, increase the pressure of upper punch of the tableting machine. अपर पंच का प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाए। बच्चों, इंशाल्लाह अब बहुत जल्द हम मशीन्स पढ़ना शुरू करेंगे और उसमें हम हर पंच, अपर पंच, लोअर पंच और तमाम पार्ट्स के फंक्शन को भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो बहुत आसानी से आप अपनी इंडस्ट्रियल फार्मेसी पढ़ सकेंगे। दूसरा काम क्या किया जा सकता है, टैबलेट बाइंडर इस्तेमाल किया जाए और बाइंडर में प्री जेलरेनाइज स्टार्च, एकेशिया या मिथाइल सेलुलोज का इस्तेमाल किया जाएगा। जिन लोगों ने वो वीडियोस देख ली हैं फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की, वो बहुत आसानी के साथ इस बात को समझ रहे हैं कि बाइंडर क्या काम करता है और कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं उसकी। सम और ऑल ऑफ द स्टार्च इन टैबलेट फार्मूला कुड बी रिप्लेस बाय प्री जेलरेनाइज स्टार्च। यहाँ पर स्टार्च इस्तेमाल किया जा रहा है तो कहा जा रहा है कि स्टार्च का कुछ हिस्सा या फिर मुकम्मल तौर पर स्टार्च को हम तब्दील कर दें प्री जेलटिनाइज स्टार्च से। प्लान होगा, एडजस्ट द टैबलेटिंग मशीन एंड इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द अपर पंच, समटाइम्स द सिंपलेस्ट सॉल्यूशंस आर द बेस्ट। नंबर टू की तरफ जरूरी नहीं हमें जाना पड़े। इंडस्ट्री में जब आप काम कर रहे होते हैं तो कभी कभार सबसे आसान सॉल्यूशन, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है, आपको अपर पंच का प्रेशर इंक्रीज करना होगा और आपकी हार्डनेस नॉर्मल हो जाएगी जितनी आपको चाहिए थी और आपकी टैबलेट्स और फ्रायबल नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सिंपल केस स्टडी समझ में आई थी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एडवांस केस स्टडीज़ के साथ आपके सामने पेश होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफिज़।